हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्वेट प्रूफ मेकअप रिकमेंडेशन। यस गाइस, आपने मेकअप लुक बहुत सारे देखोगे, मैं भी आपके साथ मेकअप लुक जरूर शेयर करूँगी, पर उससे पहले आई थॉट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सम समर स्पेशल रिकमेंडेशन, मेकअप रिकमेंडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो आपको मैं रिकमेंडेशन पे और एसेंशियल में समर में देना चाहूँगी वो है कॉम्पैक्ट। आप कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट ले सकते हो, बट मुझे जो लगता है कि आपके लिए अच्छा कॉम्पैक्ट होगा, और वैसे जो मैं आपके साथ कॉम्पैक्ट शेयर करने वाली हूँ इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कवरेज नहीं मिलने वाला, बट एट द सेम टाइम इसमें आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैट फिनिश ज़रूर मिलेगा। सो ये है फेशियस का ऑल टाइम कवर कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें विटामिन ई है, SPF 20 है, शिया बटर है। यू नो समर टाइम पे SPF इज सो मस्ट थिंग, तो आप सनस्क्रीन तो यूज़ करोगे और उसके बाद जब आप मेकअप में यूज़ करोगे, मेकअप के प्रोडक्ट के अंदर भी जब आपको सनस्क्रीन मिलेगा तो आपको वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल 02, और इसका प्राइस है 199 रुपीज़। दिस इज सच अ अफोर्डेबल वन। एंड इसके साथ आपको एक फुल साइज़ का मिरर मिल जाएगा, यहाँ पर एक फेशियस लिखा हुआ कॉम्पैक्ट का आपको इस तरीके का मिल जाएगा पफ, और ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, दिस इज़ द कॉम्पैक्ट कलर लुक लाइक, और मैं इसको आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके का इसका पिगमेंटेशन है, मैं आपको और दिखाती हूँ इस तरीके का। ये उतना ज़्यादा पिगमेंटेड कॉम्पैक्ट नहीं है, पर ये बहुत अच्छे से आपका जो कुछ भी एरिया है उसको सेट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेट मी अप्लाई। जैसे कि ये टी जोन एरियाज पे आपको ज़्यादा इस तरीके के कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से ही सबसे ज़्यादा स्वेट होता है और ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो मुझे लगता है कि रिकमेंडेशन की बात किया जाए समर में कॉम्पैक्ट की, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रिकमेंडेशन और एसेंशियल की बात किया जाए समर पे, वो है एक ब्लश। सो ऑब्वियसली आप समर पे ब्लश तो ज़रूर यूज़ करोगे, और वो ऐसा ब्लश होने को, क्रीम ब्लश आप समर पे नहीं यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज उससे आपका फेस और भी ज़्यादा ग्रीजी और ख़राब लगने लगेगा। तो इससे अच्छा आप कोई पाउडर ब्लश यूज़ करोगे। तो उसके लिए मेरे पास जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो मैंने आजकल मैं बहुत वीडियोज़ पे यूज़ कर रही हूँ, वो है ये वाला मेरा माई ग्लैम का के प्ले ब्लश। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, और इसमें मेरा जो शेड है वो है 03 स्वीट पीच। इसमें आपको 3 शेड मिल जाएगा, आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, इस तरीके का इसका इनर पैकेजिंग है, इस तरीके का। इसको जब हम ओपन करेंगे इसमें आपको एक फुल साइज़ का मिरर मिल जाएगा, और ये है आपका शेड ब्लश का। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड, इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लेम भी करता है कि फ्रूट से बना हुआ है। और इसका जो पिगमेंटेशन है इस तरीके से कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीची ब्लश है गाइस। मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है। मैंने आज तक जो भी ट्राई किया है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा ये पिगमेंटेड ब्लश लगता है। आई लव दिस ब्लश सो मच। और डू लेट मी नो आज का जो मेकअप है आप देखना चाहते हो कि नहीं, बिकॉज मैंने इन सभी प्रोडक्ट से ही क्रिएट किया है। वैसे तो मैं समर मेकअप लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, बैक टू द पॉइंट, ये ब्लश आप ज़रूर खरीद सकते हो, उसका प्राइस है 645 रुपीज़, पर आपको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट, मैं आपके साथ एक कंसीलर शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, बिकॉज कंसीलर भी हमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट चाहिए होता है। आप बहुत कुछ अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप या तो फाउंडेशन यूज़ करो, एक लाइट वेट फाउंडेशन, या तो आप एक कंसीलर यूज़ करो, या तो आप बीबी क्रीम यूज़ करो। तो कंसीलर चाहते हो तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, ये है इनसाइड का कंसीलर। इसमें मेरा जो शेड है वो है प्रोसलीन, ये बहुत अमेजिंग है। इसका जो इनर पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से, इस कंसीलर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये कंसीलर है। इसका कवरेज भी बहुत अमेजिंग है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा स्वॉच करके दिखाती हूँ। इस तरीके के है इसका पिगमेंटेशन कुछ, और इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्लेंड करके दिखाती हूँ।
ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसीलर है। मैंने अभी तक जो ट्राई किया है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा क्रीमी कंसीलर यही लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कंसीलर। इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 100 रुपीज़। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक सेटिंग स्प्रे शेयर कर रही हूँ। समर्स पे ग्लो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फेस मैट हो जाता है, और जब हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा मतलब ग्लो देता है पर मतलब उतना ज़्यादा नेचुरल नहीं दिखता जितना क्रीम लगता है। पर क्रीम हाइलाइटर हम यूज़ नहीं कर सकते गर्मी पे, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक सेटिंग स्प्रे, एक शिमर और ग्लोई सेटिंग स्प्रे जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसकी जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है ये NYBAE की ग्लो सेटिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे है, शिमर सेटिंग स्प्रे। इसमें कोई शिमर पार्टिकल्स नहीं है, इसको जो सबको स्प्रे करना होता है आज मैंने यही यूज़ किया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्लो आ रहा है मेरी स्किन पे। इसकी जो मेरा जो शेड है इसमें वो है पिंक पर्ल। इसमें आपको दो शेड मिल जाएगा और इसका प्राइस है 225 रुपीज़। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और इसमें जो है इस तरीके के आप देख पाओगे नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे शिमर पार्टिकल्स है। इसको आपको हमेशा शेक करके यूज़ करना पड़ेगा और आपको स्प्रे कर देना पड़ेगा। आपको सेटिंग स्प्रे एक बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स पे बिकॉज मेल्ट हो जाता है हमारा मेकअप स्वेट की वजह से और ऑयल की वजह से मेल्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो तो आप इस तरीके का ग्लोई सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो जो आपको आपकी स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाएगा, एट द सेम टाइम आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ आपका सेटिंग स्प्रे का भी काम करेगा। तो दिस इज़ अ रियली रियली अमेजिंग ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, आपको समर्स पे कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। आप जितना प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना आपका फेस ऑयली हो जाएगा, क्रीजेस पड़ने लगेगा और बहुत बुरा लगेगा। मतलब समर्स पे इतना मेकअप अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई वेयर ही नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हैवी फील होता है। पर आप जितना लाइट रखोगे उतना ही अच्छा होगा और आपका मेकअप भी बहुत अच्छे से स्टे करेगा। तो मैं एक आपको लाइट वेट फाउंडेशन या बीबी क्रीम का ऑप्शन दे रही हूँ इस टाइम पे बिकॉज आप जितना लाइट वेट प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही आपका फेस मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोई और मैट और मतलब स्वेट प्रूफ रहेगा। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ मार्स का बीबी क्रीम। इस तरीके से पैकेजिंग के साथ आता है, इसमें मेरा शेड है मीडियम। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, मैंने ये बीबी क्रीम ट्राई करने के बाद मेरा ये फेवरेट हो जाएगा। इसका कवरेज फाउंडेशन की तरह है, मतलब बीबी क्रीम की तरह ये लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने फाउंडेशन यूज़ किया है। और इतना लाइट वेट है और इतना ज़्यादा मतलब रनी फॉर्मूला है कि ऐसा लगता है कि आपने फेस पे कुछ यूज़ ही नहीं किया। तो फाउंडेशन की तरह ठीक इसका फॉर्मूला नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको 3 शेड मिल जाएगा, फेयर, मीडियम एंड टैन। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 199 या 250 अराउंड इसका प्राइस है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा। मैंने ये रिसेंटली मेरी वीडियो थी बेस मेकअप, हाउ टू गेट बेस मेकअप या स्टेप बाय स्टेप बेस मेकअप, उसमें मैंने यूज़ किया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एप्लीकेशन देख पाओगे कितनी ज़्यादा अच्छी कवरेज है। और इसका जो शेड है ये फुल मैच है मेरी स्किन के हिसाब से, तो मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपके साथ रिकमेंडेशन नहीं शेयर किया है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट समर्स पे यूज़ भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत बुरा लगता है और मतलब आपके फेस पे आप मतलब उसके साथ स्ट्रगलिंग आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रोडक्ट शेयर भी नहीं किया। मैं जल्दी आपके साथ समर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, उस वीडियो में मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या करना चाहिए और भी डिटेल्स में शेयर करूँगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो समर स्पेशल वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अमेजिंग समर वीडियोज़ पे।